नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है वर्ष 2020 का, जिसमें लगभग 6,310 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मुख्य समस्याएं अभ्यर्थियों को आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं CHO के आवेदन में क्या क्या समस्याएं आ रही है, मैंने उसका एक वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। जिसने नहीं देखा वो इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ यहाँ पर NHM द्वारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें उसने अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या राहत दी है? पहले जो अपना प्रिंट आउट का ऑप्शन था वो नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर प्रिंट आउट और जो अन्य ऑप्शन है यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपन को करना होगा क्लिक, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेब लिंक फॉर CHO पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से एक नई विंडो अपने पास ओपन हो जाएगी, जिसमें जो अपनी वैकेंसी है उसका डिटेल है कि इतने पद यहाँ पर इस प्रकार से हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो कैटेगरी की जो विभिन्न कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उनमें भी यहाँ पर संशोधन हुआ है, उसकी भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं वहां पे। तो दोस्तों, आपको आधार नंबर डाल के अप्लाई करना होता था। आधार नंबर डालने के बाद अप्लाई करते थे और आपको जो कोई भी क्वेरी रहती तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप NHM_CHO_raj@spc.co.in पे आपको भेजना है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर प्रिंट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट फाइल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नई विंडो इस प्रकार से ओपन होगी, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से नई विंडो ओपन होगी जिसमें अपने अपने को एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ दोनों यहाँ पर डालनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एंड का निशान है यहाँ पर और नहीं है। एंड में क्या होता है, एंड में एंड का मतलब और होता है, यानी कि दोनों और होता है तो यह होता है, यानी कि दोनों में से एक। एंड में क्या होता है, अपने को एप्लीकेशन आईडी भी डालनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों डेटा अपने को फीड करने पड़ेंगे। अगर अपने को एप्लीकेशन आईडी याद नहीं है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ तो चलो अपने को याद रहती है, एप्लीकेशन आईडी अपने को याद नहीं, मिस हो गया है, तो इफ यू डोंट रिमेम्बर योर एप्लीकेशन आईडी देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो इस प्रकार से ओपन हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर ओपन होगी एक नई विंडो। अगर दोस्तों आपको एप्लीकेशन आईडी वगैरह याद नहीं है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, ऑप्शन पे डोंट रिमाइंड एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन आईडी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नई विंडो इस प्रकार से ओपन होगी जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको rajswasthya.nic.in पे विजिट करना है। इसके बाद में CHO पे क्लिक करना है। जैसे ही CHO पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नई विंडो जो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेब लिंक फॉर CHO पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होगी जिसमें जो अपनी वैकेंसी है उसका पूरा विवरण दिया होगा। नीचे यहाँ पर प्रिंट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो नया जो विंडो है इस प्रकार से ओपन होगा। अगर अपने पास एप्लीकेशन आईडी है तो एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन आईडी ध्यान नहीं है तो इफ डोंट रिमेम्बर योर एप्लीकेशन आईडी तो इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नई विंडो इस प्रकार से ओपन होगी जिसमें अपन जो अपना जो प्रिंट है फॉर्म का वो निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।